Welcome to Rizvi's e-learning channel. तो गुड मॉर्निंग क्लास, आज हम अपना कंप्यूटर नेटवर्क का अगला टॉपिक, जो कि पिछली क्लास में हमने आपसे बताया था कि अगला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे सिलेबस के अनुसार। हमारे सिलेबस में आप देख सकते हैं अगला टॉपिक आता है फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर के अंतर्गत इसके अंदर आपकी आएगी नेटवर्क टोपोलॉजी डिजाइन, ठीक है। तो नेटवर्क टोपोलॉजी डिजाइन अब हम डिस्कस करने चल रहे हैं। हम आशा करते हैं कि आप लोगों ने पिछली क्लास को देखा होगा, क्योंकि अगर वो क्लासेस आपकी छूटेंगी तो फिर मेरे ख्याल से कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मुश्किल हो जाएगा क्योंकि वो बहुत क्रूशियल, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं कंप्यूटर नेटवर्क के, जो कि आपको जानने जरूरी हैं। अगर आपको पेपर प्रॉपर लिखना है तो वो क्लास आपको देख लेनी चाहिए। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं थोड़ा सा नेटवर्क टोपोलॉजी डिजाइन पे। तो देखते हैं, देखिए कुल मिलाकर के इसमें चार तरह की मेन आपके सिलेबस में या आपके इस लेवल पर चार तरह की टोपोलॉजी ही पूछी जाएगी मेनली, जो कि ये है मैश टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी और रिंग टोपोलॉजी। अच्छा, इससे घबराइएगा नहीं, इसके नाम देख करके इससे वो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसा नाम है उसी तरह से मैक्सिमम इसका काम भी है, ठीक। तो अभी हम लोग इन चारों को तो बाद में डिस्कस करेंगे, पहले देखते हैं ये नेटवर्क टोपोलॉजी क्या कहता है। तो नेटवर्क टोपोलॉजी कहता है, टोपोलॉजी इज रेफर टू द वे इन विच द स्टेशंस आर फिजिकली कनेक्टेड। मतलब टोपोलॉजी बेसिकली कहता क्या है कि ये एक ऐसी संरचना है, ये एक ऐसा वे है, इसको हम कह सकते हैं एक ऐसा वे है, ऐसी संरचना है। किस लिए है? इसलिए है कि जो स्टेशंस हैं, जो अलग अलग स्टेशंस हैं, मान लीजिए एक स्टेशन से हम वर्क कर रहे हैं, एक स्टेशन से आपकी कोई कंपनी वर्क कर रही है, एक स्टेशन से उस कंपनी से जुड़ा हुआ तीसरा बंदा कोई वर्क कर रहा है, तो हम तीनों लोग किस किस स्टेशन से फिजिकली कैसे कनेक्टेड हैं, वो इसको बताने का कार्य करता है, ठीक है। अगला देखते हैं क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है इसमें नेटवर्क टोपोलॉजी। अब आइए, पहले तो हमने समझाया कि टोपोलॉजी क्या है, अब आते हैं नेटवर्क टोपोलॉजी पे। नेटवर्क टोपोलॉजी क्या कहता है? नेटवर्क टोपोलॉजी डिफाइंस द मैनर इन विच द नोड्स, देखिए आ गया ना स्टेशंस, नोड्स, ये जो नोड्स हैं ये आपकी नेटवर्क टोपोलॉजी डिफाइंस द मैनर इन विच नोड्स आर अरेंज्ड, कैसे नोड्स अरेंज हुई हैं एंड कनेक्टेड टू वन अदर। मतलब ये देखिए, ये सारी नोड्स हैं ना, तो किस तरह से इनका अरेंजमेंट है और किस तरह से एक दूसरे से, वन अनदर से, वो किस तरह से कनेक्टेड हैं, ये हमारा नेटवर्क टोपोलॉजी बताएगा, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट समझ में आ गए, नहीं समझ में आया फिर से एक बार समझ लीजिए। टोपोलॉजी क्या बताता है कि जो स्टेशंस हैं, जो अलग अलग स्टेशंस हैं, वो फिजिकली कैसे कनेक्ट होंगे, ठीक। नेटवर्क टोपोलॉजी ये बताता है कि किस मैनर में नोड्स अरेंज की गई हैं, किस मैनर में ये एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, ठीक है। हम समझते हैं कि आपको टोपोलॉजी और नेटवर्क टोपोलॉजी का बेसिक फंडा समझ में आ गया होगा कि ये है क्या, ठीक।
आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास चार टाइप्स हैं भाई, ये जो है ये टाइप्स हैं, ठीक, ये चार टाइप्स हैं। पहला है मैश टोपोलॉजी, दूसरा है स्टार टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी और रिंग टोपोलॉजी, ठीक। तो सबसे पहले हम मैश टोपोलॉजी देखते हैं। मैश टोपोलॉजी इज एवरी नोड हैज कनेक्टेड टू पॉइंट, ठीक है भाई। आप देख रहे हैं मैश टोपोलॉजी, ये पहला वाला डायग्राम है हमारा, आज हम इसको समझेंगे कि मैश टोपोलॉजी है क्या भाई। अलग अलग नोड्स हैं इसमें, नोड वन, नोड टू, थ्री, फोर, फाइव, ठीक है। अब ये बताएगा कि कौन किससे कनेक्ट है। मैश, मैश समझ रहे हैं, एक तरह से कोई वो नहीं है, कोई किसी से भी कनेक्ट है, मैश हुआ है, ठीक। ये इससे भी कनेक्ट है, इससे भी कनेक्ट है, ये नोड वन आपका नोड टू से भी है, नोड फोर से भी है, थ्री से भी है, फाइव से भी है, ठीक है। तो सबसे कनेक्टेड रहता है। फिर उसके बाद बताता है पॉइंट टू पॉइंट विद अ लिंक, ठीक है, टू ऑल द नोड्स विद इन द नेटवर्क। भाई ये जो हमारा नेटवर्क है इसमें पॉइंट टू पॉइंट एक लिंक से, ये जो है, ये जो हमारा है ये हमारी लिंक है, देखिए हमने यहाँ लिख भी दिया है, ये जो हमारा है ये हमारी लिंक है, ठीक, यही लिंक कहलाता है और ये नोड कहलाता है। द लिंक शेयर्स डेटा बिटवीन द टू नोड्स ओनली। भाई ये जो लिंक है, ये कह रहे हैं कि मैश टोपोलॉजी में ये जो लिंक है हमारा, ये लिंक है, ठीक, और ये लिंक इसके और इसके, नोड वन और नोड टू के बीच में जो भी डेटा का लेन देन आदान प्रदान होगा वो इसी लिंक से होगा, सिर्फ इन दो नोड्स के बीच। भाई अगर हमने इससे, ये कोई पर्सन ए है, ये पर्सन बी है, इस पर्सन ए, ये पर्सन ए सबसे कनेक्टेड है, अब इनको मैसेज भेजना है पर्टिकुलरली किसके पास, पर्सन बी के पास, तो इसने इस लिंक का यूज किया और केवल इस नोड से इस नोड तक इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। तो हम समझते हैं कि मैश टोपोलॉजी, आप समझ गए होंगे कि मैश टोपोलॉजी हमारा क्या कहता है। अब इसका थोड़ा सा एडवांटेज डिसएडवांटेज भी देख लेते हैं। बेटर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, भाई जब एक नोड सिर्फ एक पर्सन ए कोई पर्टिकुलर मैसेज पर्सन बी को भेज रहा है तो इसका एडवांटेज हो गया कि बेटर सिक्योरिटी और बेटर प्राइवेसी ये गेन कर लेगा, ठीक है। दूसरा क्या होगा, ये थोड़ा सा रोबस्ट होता है, ठीक। फेलियर ऑफ एनी लिंक विल नॉट कॉज फेलियर ऑफ एंटायर नेटवर्क। भाई ये बताइए अगर इसमें से ये जो जितने सारे लिंक्स हैं, भाई ये सब तो लिंक्स हैं, ये भी लिंक है, ये भी लिंक है, ये भी लिंक है, लेकिन अगर इनमें से, इसको ध्यान से आप देखिए, तो अगर हम कह दें कि ये वाला लिंक, ये वाला जो लिंक है वो फेल हो गया किसी वजह से, ये वाला जो लिंक था वो किसी वजह से फेल हो गया, तो फेल होने पर भी ये पर्सन ए पर्सन बी को मैसेज पहुंचा पाएगा कि नहीं, आपको दिख रहा है कि नहीं, लिंक यहां से इसको दे देगा और ये उठा करके इसको दे देगा, ठीक, या फिर यहां से इसने नोड फाइव को दे दिया, नोड फाइव ने उठा करके फिर आपका नोड फोर को दिया और फिर टू पे आ गया, ठीक है, यहां से इसको दिया, यहां से इसने सीधे इसको भेज दिया, तो कुल मिलाकर के जो हमारे नेटवर्क है, ठीक, वो नेटवर्क फेल नहीं होगा किसी एक लिंक के
ब्रेक हो जाने से हमारा पूरा नेटवर्क फेल नहीं होगा, एनी हाउ मैसेज पहुंच ही जाएगा, ठीक है। अब डिसएडवांटेजेस थोड़े से हम लोग समझ, एडवांटेज दो तीन हो गए और डिसएडवांटेज थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। लार्ज अमाउंट ऑफ केबलिंग एंड इनपुट पार्ट्स आर रिक्वायर्ड। भैया ये बताइए, जब यहां से ये नोड वन है, टू थ्री फोर फाइव, तो केबलिंग, जो केबल हम लगा रहे हैं, जो फिजिकल नेटवर्क हम यूज कर रहे हैं, वो केबल बहुत ढेर सारी यूज होंगी ना, उसमें कॉस्ट यूज होगी ना, कि ज्यादा कॉस्ट यूज हो रही है, ज्यादा पार्ट्स रिक्वायर हो रहे हैं, ज्यादा केबल यूज हो रही है, तो ये एक डिसएडवांटेज हो गया। फिर उसके बाद जितनी ज्यादा केबल्स, जितने ज्यादा पार्ट्स, तो एक जनरल सी चीज सोचिए कि इसको बनाना, इसको स्टेब्लिश करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया ना, इसको इंस्टॉल कर पाना। भैया अगर कम केबल हमको हमारी यूज होती, केवल ये यहां से ऐसे 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 हम जोड़ देते, तो ये सब बीच वाली केबल और इसके पार्ट्स तो लगते नहीं, तो इजी हो जाता है इंस्टॉल करने में। लेकिन इसमें बहुत सारी केबल, बहुत सारा पार्ट्स, इंस्ट्रूमेंट्स लग रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा टफ हो जा रहा है, ये भी डिसएडवांटेज है। रिकॉन्फिगरेशन, मान लीजिए कि यहां का ये लिंक में कोई प्रॉब्लम आ गया, ठीक है, ये वाले लिंक में प्रॉब्लम आ गया, तो अब हम यहां से उठाएंगे, पूरा चेक करेंगे, फिर से रिकॉन्फिगर करेंगे, तो प्रॉब्लम आएगी ना ढूंढने में कि कौन से लिंक में हमको समस्या आ रही है। गुड मॉर्निंग, एक मिनट प्लस, तो हम लोग इसका एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस समझ रहे थे। तो हमने बताया कि इस मैश टोपोलॉजी का रिकॉन्फ़िगरेशन एक डिसएडवांटेज है, ठीक है। अब हम लोग जहां तक आपने देखा कि हमने टोपोलॉजी समझी, नेटवर्क टोपोलॉजी समझी, इसके चार टाइप्स में से एक टाइप मैश टोपोलॉजी, आज हमने इसकी थियरी समझी, इसका हमने एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस ये दोनों चीज समझ लिया। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे स्टार टोपोलॉजी, ठीक है। नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, स्टार टोपोलॉजी कुछ ऐसा बनता है, स्टार मान लीजिए ऐसे 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 ऐसे, यहाँ पे एक स्टेशन आ गया, यहाँ पे आ गया, यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, यहाँ आ गया। तो कल इसके बारे में हम लोग, स्टार टोपोलॉजी के बारे में हम लोग डायग्राम बना करके प्रॉपर इसको समझेंगे। तो हम समझते हैं क्लास की, आज आपको जितनी चीज हमने आपको बताई है वो आपको समझ में आ गई होगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।